नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं पीरियडिक टेबल से। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियडिक टेबल के सारे कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल आर रिप्रेजेंटली एंड द राइट आंसर इज सॉरी रिस्पेक्टिवली एंड द राइट आंसर इज सी 7 एंड 18। क्योंकि हमें पता है कि पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स प्रेजेंट होते हैं एंड 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 and 17 are collectively called. The right answer is representative element. क्योंकि हमारे पास S and P block के जो element present होते हैं periodic table में, उन्हें हम एक साथ represented element भी बोलते हैं। Next question है हमारे पास, the third period of the periodic table contain and the right answer is A, 8 element. Because आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो सीक्वेंस आता है वो आता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो सेकंड पीरियड होगा उसमें 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18 एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें भी 18 एंड नेक्स्ट में 32, और इन्हें हम मैजिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कली मेटल बिलोंग्स टू एंड द राइट आंसर इज ए एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसे अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज आती है उसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स आते हैं, यानी जो पी ब्लॉक है उसे रिप्रेजेंटेड एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जो एफ है उसको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होगा वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड होगा एंड द राइट आंसर इज 17th ग्रुप। जो स्टारमा ग्रुप है वो उससे रिलेटेड है, यानी नोबल गैसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इनको कैसे निकालते हैं, कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है तो हम उसका पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीज बिकॉज एंड द राइट आंसर इज सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्युमिनियम प्रिटेन टू रिमूव ऑफ पी इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पेक्टिवली ईजी। जो हम एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है एज कंपेयर टू मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज एंड द राइट आंसर इज सी ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द एलिमेंट शो लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन देयर पीरियड एंड द राइट आंसर इज अल्कली मेटल। क्योंकि हमें पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज सॉरी इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम। और अल्कली मेटल जो है वो इजली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए उनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो कम होती है एंड अलोंग द पीरियड आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा तो हेलोजन जो होते हैं हमारे पास उनकी सबसे ज़्यादा होती है एंड नोबल गैसेस की हेलोजन से भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंपेरिजन टू इट्स पेरेंट एटम द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंड द राइट आंसर इज स्मॉलर। क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा
एंड जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट मीन पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा और जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, एंड द राइट आंसर इज NS2NP6 स्टेबल नोबल कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एंड द राइट आंसर इज बी अल्कली मेटल जो है वो स्पेशली शो करते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, क्योंकि आप देखोगे ए एंड बी जो है बोथ आर अल्कली मेटल्स, बट जो हमारे पास बी है उसका साइज ज़्यादा है तो वो इजली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन आर दोज विच हैव, एंड द राइट आंसर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इट मीन द सी इज द राइट आंसर। सेम नंबर 13, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू, एंड द राइट आंसर इज डी अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम की डेफिनेशन होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बार इटसेल्फ इन द बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बना होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, कौन से जो एलिमेंट या ग्रुप हैं डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे, एंड सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर शो डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल इज, एंड द राइट आंसर इज 18, हमने मैजिक नंबर पढ़े थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इट मीन्स कि जो फिफ्थ होगा उसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल हैव, जो सेम पीरियड हो सॉरी सेम ग्रुप होगा ऑफ द पीरियडिक टेबल उसमें क्या सिमिलर होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, नहीं क्योंकि प्रोटोन तो सभी में डिफरेंट होते हैं, सेम बैलेंस शेल जो है पीरियड में सेम होगी, एंड सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उनमें जो है वो सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो राइट आंसर इज सी सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियडिक टेबल डज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स, एंड द राइट आंसर इज ए एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली इंडिकेटेड, एंड द राइट आंसर इज सी 30Zn अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो इन यूनिट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड द राइट आंसर इज S2 नेगेटिव, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स बीच में आए थे जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयन टाइन का साइज हो गया, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर गिवन हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसका एटम, जो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।